परिचय। अविनाश पार्क में दौड़ रहा है। वह कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों को योगा करते हुए देखता है। वे पहले एक लंबी सांस लेते हैं और फिर उसे अंदर खींचते हैं। कुछ समय बाद वे उसे बाहर निकालते हैं। उसे सांस अंदर लेने तथा बाहर निकालने के इस तरीके को देखने में मजा आ रहा है। उसके बाद वो ढोल की आवाज सुनता है, जिसके पास ही में एक व्यक्ति उसे बजा रहा है। ढोल की धुनें भी एक तालबद्ध पैटर्न का पालन करती हैं। बच्चों, इस पाठ में आप पैटर्न के बारे में विस्तार से जानेंगे। आओ सीखें। आकृतियों तथा संख्याओं में पैटर्न को पहचानना। आकृतियों तथा संख्याओं को मिलाकर पैटर्न को पूरा करना। पैटर्न को समझना। छल्लों के इस विन्यास को देखें। एक नीले छल्ले के बाद एक पीला छल्ला और उसके बाद एक लाल छल्ला है। ये विन्यास तीन बार दोहराया गया है। जब वस्तुएं एक निश्चित क्रम में पुनर्व्यवस्थित होती हैं, तो वे एक पैटर्न बनाती हैं। एक और विन्यास को देखें। इस विन्यास में दो खड़ी रेखाओं के बाद एक आड़ी रेखा है। इसके बाद पुनः दो खड़ी रेखाओं के बाद एक आड़ी रेखा है। ये भी एक पैटर्न है। आकृतियों में पैटर्न। इस पैटर्न को ध्यान से देखें। एक आकृति पहले आड़ी स्थिति में और बाद में खड़ी स्थिति में रखी है। ये स्थितियां अनेक बार इसी क्रम में दोहराई गई हैं। अब इन त्रिभुजों तथा वृत्तों के विन्यास को देखें। क्या हम इसे एक पैटर्न कह सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आकृतियां एक निश्चित क्रम में नहीं दोहराई गई हैं। प्रकृति में पैटर्न। अपने चारों तरफ देखने पर आप प्रकृति में अनेक पैटर्न पाएंगे। इस गुलाब के बगीचे को देखें। माली ने गुलाबों को एक प्रक्रम में लगाया है। यहां लाल गुलाबों के एक जोड़े के बाद एक सफेद गुलाब है। इन इंद्रधनुषों को देखें। प्रत्येक इंद्रधनुष में रंग एक ही क्रम में होते हैं। संख्या पैटर्न। संख्याओं में भी पैटर्न हो सकता है। आओ हम इसे देखें। एक, तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, पंद्रह। ये संख्याएं एक सी नहीं हैं, फिर भी हम इन्हें एक पैटर्न में कह सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों? जी हां, एक दूसरे के आगे तथा पीछे वाली किन्हीं दो संख्याओं का अंतर समान है। आओ हम संख्या के एक अन्य पैटर्न को देखें। पांच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस। क्या आप बता सकते हैं कि इन संख्याओं का विन्यास क्यों एक पैटर्न है? बिल्कुल सही। पास पास की किन्हीं दो संख्याओं का अंतर पांच है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम पिछले अंक में पांच जोड़कर अगला अंक प्राप्त करते हैं। बढ़ती तथा घटती हुई आकृतियों का पैटर्न। हम संख्याओं या आकृतियों के आकार के बढ़ते व घटते हुए क्रमों द्वारा पैटर्न को बना सकते हैं। आओ देखें कि कैसे। आओ आकृतियों के इस विन्यास को देखें। एक वृत्त के पीछे दो वृत्त और उनके पीछे तीन वृत्त हैं और इस प्रकार से आगे भी हैं। ये एक पैटर्न है, क्योंकि वृत्त एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं। आकृतियों के एक और विन्यास को देखें। पांच बड़े भंवरों के बाद चार छोटे भंवरे और उनके आगे तीन छोटे भंवरे हैं और इस प्रकार से आगे भी हैं। ये भी एक पैटर्न है, क्योंकि
भंवरों की संख्या एवं आकार एक निश्चित क्रम में घट रहा है। संख्या पैटर्न को पूरा करना। संख्याओं के इस पैटर्न को देखें। इस पैटर्न में दो संख्याएं गायब हैं। हम इन्हें तभी भर सकते हैं जब हम ये जान सकें कि इस प्रक्रम को कैसे बनाया गया है। ये साफ है कि इस प्रक्रम में एक बार में एक संख्या कम हो रही है। उल्टी गिनतियों की सहायता से हम गायब संख्याओं का पता लगा सकते हैं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। इस प्रकार से संख्या 10 तथा 6 गायब हैं। हमने क्या चर्चा की? जब वस्तुएं एक निश्चित क्रम में पुनर्व्यवस्थित होती हैं, तो वे एक पैटर्न बनाती हैं। पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़कर या घटाकर संख्याओं का पैटर्न बनाया जाता है। संख्याओं या आकृतियों के आकार के बढ़ते व घटते हुए क्रमों द्वारा पैटर्न को बनाया जा सकता है। पैटर्न को बनाने में प्रयोग होने वाले साधारण नियम को समझकर पैटर्न को पूरा किया जा सकता है।